हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। टुडे वी विल डू टॉपिक ऑफ फ्रैक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मींस अ पार्ट ऑफ समथिंग। अगर आपको बच्चों को फ्रैक्शन समझाना है क्या होता है, या फिर आपको अपने डेमो देना है फ्रैक्शन टॉपिक के, अगर आप मैथ्स टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी में और आपको फ्रैक्शन टॉपिक पे डेमो देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप उसके लिए आपको चाहिए, आप पेरेंट्स भी बच्चों को समझाने के लिए इस तरह के ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। बेटा व्हाट इज दिस? दिस इज़ एन एप्पल। आई हैव एन एप्पल, अ लड्डू एंड अ पेपर पीस। ये हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रैक्शन को ये देखिए, बिल्कुल होल एप्पल है, ये होल लड्डू है एंड होल शेप है, ये एक स्क्वेयर शेप। अब हम इस लड्डू को टू पार्ट्स में कट कर देंगे। ओके, ये इसको मैंने टू पार्ट्स में कट कर दिया और ये हो गया हाफ हाफ। ये देखिए, टू पार्ट्स में कट करके क्या हो गए हैं, ये हाफ हाफ। इसको कैसे लिखेंगे? जब हम फ्रैक्शन की लैंग्वेज में इसको लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे लाइक दिस, हमने इसको हाफ कर दिया। अगर हम दो बंदे हैं, हमें टू पर्सन हैं, तो हमें एक लड्डू को खाना है, तो हम उसको हाफ हाफ में इस तरह से डिवाइड करेंगे और इस तरह से इसको लिखा जाएगा। सेकंड, ये एक एप्पल है, इसको हमें फोर फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मा पापा भैया और दीदी, चार मेंबर्स हैं, और उनको ये एक होल एप्पल लेंगे। होल एप्पल, एक होल यानी कि पूरी चीज़, होल, और इसको हम फोर पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये मैंने कर दिया है इसको हाफ। अब ये तो चार लोग नहीं खा सकते हैं, तो अब हम इसको ऐसे कट कर देंगे फोर पार्ट्स में। हाफ में से भी हमने हाफ कट कर दिए हैं और ये एप्पल के फोर पार्ट्स हो गए हैं। ये हो गया है वन फोर्थ पार्ट, यानी कि वन में से चार हिस्से किए हुए चौथा हिस्सा है ये वन फोर्थ पार्ट। इसको हम एक पार्ट को, इस होल एप्पल के एक पार्ट को, वन फोर्थ पार्ट को हम ऐसे लिखेंगे वन फोर्थ। इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। ये वन फोर्थ पार्ट है इस होल एप्पल का, वन फोर्थ पार्ट, वन फोर्थ पार्ट, वन फोर्थ पार्ट, वन फोर्थ, हाफ पार्ट, हाफ पार्ट, हाफ पार्ट को हम इस तरह से शो करते हैं, हाफ लाइक दिस। मेरे पास ये एक शेप है, अगर मैं इसको तीन लोगों में, मुझे इसको डिवाइड करना हो, इसको बांटना हो इक्वली, तो मैं इसको इस तरह से तीन इसके पार्ट कर दूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ मार्क किया था इक्वल पार्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पे मैंने इक्वल थ्री पार्ट्स कर दिए हैं इस शेप के, ये हमने थ्री पार्ट्स कर दिए, और इनको लिखा जाए, ये कौन सा हो गया, एक होल पे शेप के थ्री पार्ट्स हो गए, वन थर्ड, वन थर्ड, वन थर्ड, इनको लिखा जाएगा वन थर्ड एंड वन थर्ड पार्ट। ओके, अब ये चीज होती है, व्हाट इज फ्रैक्शनल नंबर? अ नंबर दैट मेक अ पार्ट ऑफ ए होल, यानी एक पूरे होल पेपर का ये जो एक पार्ट है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, वन थर्ड पार्ट जो है वो फ्रैक्शनल नंबर कहलाएंगे। तो इस तरह से हम पहले बच्चों को ये फ्रैक्शन समझाएंगे कि किस तरह से इनको लिखा जाता है। वन थर्ड है, अगर एक में से हम दो डिवाइड करते हैं हाफ हाफ, तो उसको हाफ को हम इस तरह से लिखेंगे,
एंड देन 1/4 हम इस तरह से बच्चों को समझाएंगे, ये 1/4 पार्ट है। सेकंड थिंग जो है वो ये है, टू हाफ मिलके, जब टू हाफ्स मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा, वन होल। अगर हम इन टू हाफ हाफ पार्ट को लड्डूज के टू पार्ट ये पार्ट को लड्डू के मिक्स कर देंगे तो ये वन होल हो जाएगा। जब फोर वन फोर्थ अगर इनको हम मिला देंगे, 4/1/4 को इस तरह से, तो ये बन जाएगा वन होल। फोर वन फोर्थ मिलके बनता है वन होल, टू हाफ्स मिलके बनता है वन होल, 3/1/3 मेक्स वन होल। ये एक 3/1/3 मिलके वन होल बना। ये हमें बेसिक फ्रैक्शन बच्चों को समझानी है। इस तरह से आप अपना स्कूल में भी डेमो दे सकती हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को समझा सकते हैं और टीचर भी क्लास में समझा सकती हैं। ट्यूशन टीचर के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। अब मैं आपको बुक में दिखाती हूँ किस तरह से फ्रैक्शन दिया गया है, जिसका मैंने आपको अभी डेमो देके दिखाया। वन होल यानी कि एक पूरी चीज, जैसे मैंने आपको अभी एप्पल दिखाई थी और लड्डू दिखाया था, इसी तरह से वन होल, वन होल केक, वन होल एप्पल, वन होल पिज्जा, ये है न्यूमेरल वन। वन शो वन होल यानी कि एक पूरी चीज में भी इसी तरह से हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हाफ, जैसे अभी मैंने लड्डू को हाफ किया था, लड्डू को अभी मैंने हाफ करके दिया था, टू हाफ, हाफ प्लस हाफ वन होल, 1/4, 4/1/4 इज इक्वल टू वन होल। यहां मैंने भी आपको भी एप्पल कट करके दिखाया है। When a whole thing is divided into four equal parts, each part is called 1/4 or quarter. 1/4 is written as 1/4. Okay? 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 is equal to one whole. Like this, 1/3. 1/3, ये पिज्जा है, इसके three parts कर दिए हैं equal. वन पार्ट कहलाएगा 1/3, इसको इस तरह से लिखा जाता है, 3/1/3 इज इक्वल टू वन होल, 1/3 इज रिटन एज 1/3। यहां मैंने बनाई है मेंटल मैथ्स की एक वर्कशीट प्रिपेयर की है बेसिक फ्रैक्शन के लिए। कलेक्ट द पोर्शन एज इंडिकेटेड इन ईच बॉक्स। फॉर एग्जांपल यहां पे हमें हाफ पार्ट को वो करना है, 1, 2, 3, 4, 4 का हाफ होता है 2, यानी इनको बीच में से अगर हम इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका 2 है। अब जो बच्चों को करना है इसमें कलर करना है, इस तरह से टू पार्ट में कलर करेंगे। अब इसका है हमें करना है 1/4 पार्ट। अब सबसे पहले इनको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 12, इस तरह से इसका जो 1/4 निकलेगा वो होगा 3। हमें इसके 3 इन एप्पल्स को डिवाइड करना है, इन 3 एप्पल्स को हमें कलर करना, यानी 3 इनका 1/4 पार्ट है, 3 3 3 3, इसका 1/4 होगा 3 और इनको 3 फ्रूट्स को हमें कलर करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, पुट अ रिंग अराउंड हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच कलेक्शन। हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट को रिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का हाफ होगा 3। यहां पे रिंग बनाना है यानी कि सर्कल करना है, लाइक दिस। इन मून को करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, 5 को हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लाइन इन ईच ऑफ दीज शेप्स डिवाइडिंग देम इक्वली बिटवीन टू पीपल। कलर ईच हाफ ऑफ डिफरेंट शेप।
इनमें से हाफ शेप को कलर करना है। सबसे पहले बच्चे को इन सब शेप का हाफ करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ स्क्वेयर को इस तरह से हाफ करेंगे और हम उसको एक साइड से कलर करेंगे, फिर इसको भी हाफ करेंगे बीच में लाइन ड्रॉ करके, इस पेंटागन शेप को भी, हार्ट को भी, इस शेप को भी हम हाफ कर देंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश हाफ इन अ होल। हाउ मैनी हाफ इन अ होल? टू। आंसर इज टू। सेकेंड, फोर डैश मेक अ होल। फोर, वन फोर्थ। आंसर इज वन फोर्थ। थ्री डैश मेक अ होल। थ्री, वन थर्ड मेक अ होल। इन दिस शेप विच पार्ट इज नॉट शेडेड? विच पार्ट इज नॉट शेडेड? वन फोर्थ पार्ट। आंसर इज वन फोर्थ। मैच द फॉलोइंग। यहां हाफ लिखा हुआ है, वन फोर्थ, वन थर्ड। अब इनको इनसे मैच करना है, फिश से हाफ यहां से मैच होगा, इसको इससे करेंगे, वन फोर्थ, वन फोर्थ यहां मैच होगा एंड वन थर्ड यहां। आई होप ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप ऐसी और भी वर्कशीट्स, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।